सो हेलो गाइस और स्वागत है सभी का डीसीएस यूनिवर्स में। आज हम लोग लौटे हैं टू कॉन्फर्म्ड और बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके। पहला वाला ये है कि माइकल बी जॉर्डन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक्टर है, अमेरिका का मतलब हॉलीवुड का एक ब्लैक एक्टर है, वो अभी प्रोड्यूस करने वाला है एक ब्लैक बोल्ट इज अ कैरेक्टर फ्रॉम एमसीयू, ब्लैक बोल्ट डीसीयू लाइव एक्शन मूवी। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि गाइज मुझे पता है आप लोगों को कि एरोवर्स में जो ब्लैक बोल्ट का जो कॉस्ट्यूम था, जो एक्टर जो उसे प्ले कर रहा था, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और ब्लैक लाइटनिंग का जो लाइव एक्शन वर्जन होने वाला है डीसीयू में, उसका जो रोल होने वाला है, वो देखने के लिए मैं बहुत 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 ही बेताब हूँ और एक्साइटेड हूँ। तो गाइज आप लोगों के भी कुछ थॉट्स है अगर ब्लैक लाइटनिंग को लेकर, और क्या आपको लगता है कि माइकल बी जॉर्डन इस मूवी में अपने मतलब खुद ही ये रोल प्ले करेंगे ब्लैक लाइटनिंग का, तो ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के न्यूज़ के साथ हम लोगों के साथ बने रहिए। और अब चलिए जाते हैं हम लोग अगली न्यूज़ में। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि माइकल बी जॉर्डन जो है वो एक ब्लैक सुपरमैन का जो फैल्सवर्थ मूवी है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है डीसीयू के लिए। तो माइकल बी जॉर्डन इज विद डीसीयू। तो अगली न्यूज़ में चलते हैं। तो ये न्यूज़ है कि जेरेमी इवरिन जो एक्टर है वो उसने अभी कन्फर्म किया है, जो कि एलन स्कॉट प्ले कर रहा है ग्रीन लैंटर्न सीरीज, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स सीरीज में, उसके हिसाब से ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स जो है वो अभी शूटिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाला है सितंबर से, यह हमको सबको पता है। लेकिन उसका जो कॉस्ट्यूम है वो भी अभी रिवील होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि उसको जब साइन किया गया था उसको बोला गया कि 2-3 महीने में उसका जो कॉस्ट्यूम है एलन स्कॉट का वो भी उसको दे दिया जाएगा, ताकि वो फिट आ जाए और उसके हिसाब से फिर से कुछ रिमिफिक्शन किया जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो अभी उसने साइन किया लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए अभी बहुत जल्दी हम लोगों को एलन स्कॉट का जो फर्स्ट लुक या शूट जो है वो रिवील होते दिख रहा है। और ये जो सीरीज़ है ये डायरेक्टली डीसीयू के साथ कनेक्ट होगा, ये बहुत हाई बजट सीरीज़ है, 150 मिलियन इसका बजट है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर द सीरीज़। और ग्रीन लैंटर्न मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट और मोस्ट एक्साइटिंग कैरेक्टर मुझे लगता है डीसीयू में, जिसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और उत्सुक भी हूँ, क्योंकि ये मेरा मोस्ट एंटिसिपेटेड सुपर हीरो सीरीज होने वाला है ऑफ ऑल टाइम। तो या गाइस अगर आप लोगों को भी मेरी तरह बहुत एक्साइटमेंट है इस सीरीज़ को लेकर या बाकी सारी डीसीयू मूवी को लेकर, तो ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन। और आप लोग किसकी और ज़्यादा मतलब रैली कर रहे हैं, किसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं ज़्यादा, वो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगेन शाउट आउट टू सुमित फॉर सपोर्टिंग अस और बहुत सारा प्यार कि हमारा हर वीडियो कमेंट और लाइक्स करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए हर वीडियो में। तो अगर आप लोग भी सुमित की तरह फैन हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और शेयर अवर वीडियो एंड बी विद अस एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम हैशटैग डीसी फॉरएवर।